भाजपा ने आज अपने चुनावी कैंपेन मैं मोदी का परिवार हूं का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इस थीम सॉन्ग को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस पर लिखा कि मेरा भारत मेरा परिवार। पार्टी ने 10 दिन पहले यानी कि 6 मार्च को यह कैंपेन लॉन्च किया था। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें लिखा कि हर किसी से अपनापन, हर किसी से सरोकार, तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं पीएम मोदी का परिवार। इसके बाद भाजपा नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सोमवार को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश, 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। आपको बता दें कि पीएम की स्पीच के कुछ देर बाद ही बीजेपी नेताओं ने अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू जैसे बड़े नेताओं ने प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया। मोदी का परिवार है, देश का हर नौजवान, हर बेटा, हर बेटी मोदी का परिवार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं नेने मोदी कुटुंबम। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राह पर चल रहा है। हम हर राज्य का विकास चाहते हैं ताकि देश का विकास हो। हम पहले के मुकाबले तेलंगाना के विकास के लिए ज्यादा राशि दे रहे हैं। अभी मैंने तेलंगाना के लोगों के लिए हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर बनाने और उनके सपने पूरा करने का जरिया बनेंगे। तेलंगाना के युवाओं के ये सपने ही आपके सपने ही, आप सबके सपने ही, आप मेरे परिवारजनों के सपने ही, आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है। आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। साथियों, महिला, दलित और किसानों का हित हमेशा से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर उज्ज्वला योजना तक, नल से जल से लेकर आयुष्मान भारत तक, हमारी हर योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को हुआ है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर गरीबों को दिए गए हैं, उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है।
दलितों और अति पिछड़ों के लिए भी इन 10 वर्षों में जितना काम हुआ उतना 70 वर्षों में नहीं हुआ है। स्कॉलरशिप देकर, कौशल विकास करके, मुद्रा योजना का लाभ देकर बीजेपी सरकार ने करोड़ों दलित बच्चों का सपना पूरा किया है। और आपको याद होगा, मैंने तेलंगाना में आकर के कहा था, और मैं गारंटी वाला व्यक्ति हूं, गारंटी पूरा करना जानता हूं। मैंने कहा था कि मादिगा समुदाय के लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए बीजेपी हर संभव मदद करेगी, और तभी हमने इसके लिए एक हाई लेवल पैनल भी बनाया था। इस पैनल ने लगातार मादिगा समुदाय के अनेक लोगों से मुलाकात की है, विचार विमर्श किया है, उनकी समस्याओं को समझा है और समाधान निकालने के लिए आगे बढ़े हैं। साथियों, बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के किसानों के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के धान और कॉटन की खरीदी की है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। तेलंगाना के 40 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष हर एक किसान परिवार को 6,000 रुपए की मदद भेजी जा रही है।